दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरे देश में कायस्थ समाज के लोग फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार थैंक गॉड मूवी को बैन कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में मंगलवार को हिंदू संगठन और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में फिल्म के बॉयकॉट के पोस्टर लेकर विरोध जताया। कायस्थ समाज का कहना है कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को जिस तरह से दिखाया गया है वह गलत है। फिल्म को देश भर में बैन कर देना चाहिए। इस मामले में एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं कायस्थ समाज के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग को लेकर पत्र भी लिखा है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि फिल्म में कायस्थों के आराध्य देवता भगवान चित्रगुप्त जी पर आपत्तिजनक दृश्य व अभद्र टिप्पणी की गई है। यह एक निंदनीय कार्य है। अजय देवगन जैसे एक समझदार व्यक्ति के द्वारा इसकी स्वीकृति और फिल्म का फिल्मांकन करना अत्यंत दुखद है, जिसे आज पूरे भारत देश का कायस्थ समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। देश के सभी फिल्म जगत से जुड़े लोगों से अपील है कि इस फिल्म से हमारे आराध्य चित्रगुप्त भगवान के जितने भी चित्र प्रदर्शित किए गए हैं उन्हें या तो अलग किया जाए या इस फिल्म को रिलीज करने से रोका जाए, नहीं तो इस भारत देश का पूरा कायस्थ समाज इस फिल्म का बॉयकॉट करेगा। हमारे आराध्य देवता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह अशोभनीय है। जिस तरह से ट्रेलर में कुछ अंश दिखाए गए हैं, यह परिकल्पना से बिल्कुल अलग है। हम संस्कारदानी और देश के सभी कास्टों से विनंती आग्रह और अपील करते हैं कि इस तरह के फिल्मों को बॉयकॉट करें। दोस्तों, आप किसके बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।